Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. This is your computer class. In this class, we will learn how to make a result, how to make a grant sheet, how to make a word list using MS Excel. For this purpose, you have to open Excel. Go to the start button. Here it is. This is your start button. Now, type Excel. एक्सेल आ जाएगा आपके पास. यू हैव टू सेलेक्ट ब्लैंक वर्क बुक. आपको ब्लैंक वर्क बुक जो है वो सेलेक्ट करनी है लाइक दिस. अब ये जो आपका मेजर इंटरफेस है, बेसिकली ये एक्सेल का इंटरफेस है. हियर वी हैव अ क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार में वो वाले सारे बटन होते हैं जिनका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, लाइक रीडू, अनडू, सेव एंड फाइल. ओके, नाउ देन हियर वी हैव अ टैब. ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, बेसिकली दीज ऑल आर टैब्स. हमें हेडिंग देनी पड़ती है अपने स्कूल की, जिस स्कूल के लिए हमें वर्ड लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं. लेट सपोज ये इस जगह पे मुझे स्कूल का नेम लिखना है. सो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन मर्ज एंड सेंटर कर लूँगी. मर्ज सेंटर से क्या होता है, जितनी भी आपकी रोज हैं वो सारी मर्ज हो जाएंगी. नाउ आपने यहाँ पे क्लिक करना है और स्कूल का नेम टाइप कर देना है. स्कूल, SCHOOL नेम, राइट स्कूल नेम हियर, सेलेक्टेड, अप्लाई बोल्ड, यू कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल, यू कैन ऑल्सो चेंज फॉन्ट साइज. ओके, देन हमें अपनी अवार्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले दो से तीन चीजें चाहिए होती हैं. यानी कि हमें क्या चीज चाहिए होती है, सीरियल नंबर कि कितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो ये इंडिकेट करेगा. देन हम लोगों को स्टूडेंट्स के नेम्स चाहिए होते हैं. देन ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहां से अपने सेल की विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास आ जाएगा टोटल मार्क्स. फिर आप उसकी परसेंटेज निकाल लोगे सब्जेक्ट वाइज. सो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे 1, देन यू हैव टू प्लेस योर कर्सर एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ योर सेल. आपने अपने राइट बॉटम कॉर्नर पे अपना कर्सर रखना है और अब आप देख सकते हैं ये कर्सर जो है वो प्लस की फॉर्म में चेंज हो गया है. नाउ आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इसको सिलेक्ट एंड ड्रैग कर लेना है. जहां तक आप सिलेक्ट एंड ड्रैग करेंगे वहां तक इसमें नंबरिंग आ जाएगी लाइक दिस. नेम्स हमारे पास थोड़े से बड़े होते हैं इसलिए हम इसका वो चेंज कर लेंगे विड्थ. नाउ नेम्स एंटर कर लें, लाइक सारा, अहमद, अली, असद, हमजा, साद, जुनेद, इकरा, राहीला, जमीला, बुशरा, उनीजा, एंड जो भी आपको नेम्स एंटर करने हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर यू कैन ऐड हिम. नाउ ऑब्टेन मार्क्स, जो बच्चे के ऑब्टेन मार्क्स होंगे वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करने हैं. लाइक टोटल मार्क्स, लेट सपोज अगर हम कर लेते हैं 50 मार्क्स का पेपर था तो आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, इसको ट्रैक कर लेना है, सारों के 50 टोटल मार्क्स आ जाएंगे. देन
उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, ऑब्टेन मार्क्स। अब जिस बच्चे के जितने मार्क्स थे ऑब्टेन्ड वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। एंटर हो गए। नाउ आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इक्वल टू का साइन लगता है। व्हेनेवर वी वांट टू पुट एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला वी हैव टू एंटर इक्वल टू। ओके, इक्वल टू का साइन आपने लगाया। नाउ जो ऑप्टेन मार्क्स वाला सेल है फर्स्ट आपने उसको क्लिक करना है, देन आपने क्या करना है स्लैश लाइक दैट। स्लैश आपने बैक स्लैश जो होती है आपकी वो आपने प्रेस कर देनी है। देन आपने टोटल मार्क्स वाला सेल पे जाके क्लिक करना है, वो उसका सेल नंबर दे देगा। देन आपने क्या करना है स्टैरिक यानी कि मल्टीप्लाई के लिए आपने दबाना है, फिर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। देन यू हैव टू प्रेस एंटर, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, नाउ आपने वही करना है कि आपने अपने सेल पे परसेंटेज वाले सेल पे जाके राइट बॉटम कॉर्नर पे आपने अपना कर्सर प्रेस करना है, आपके पास प्लस बना हुआ आ जाएगा और आपने उसको ड्रैग कर लेना है। सो बेसिकली यहाँ पे आपके बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी जो है परसेंटेज आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जो फॉर्मूला बार में आपको शो हो रहा है बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ, इसको पहले मर्ज कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका होता है इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो बेसिकली ये परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो आपने जिस जगह पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है आप क्या करेंगे, वहां जाके इक्वल टू लगाएंगे, ऑप्टेन मार्क्स वाले सेल पे जाके क्लिक करेंगे, स्लैश दबाएंगे, देन टोटल मार्क्स वाले पे क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू प्रेस स्टैरिक दैट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, देन मल्टीप्लाई इट बाय 100, देन एंटर कर लेंगे और इस तरीके से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। नाउ आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर अप्लाई करना। आप कैसे बॉर्डर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप इस सारे को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपने बॉर्डर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का, मैं यहाँ ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करूँगी। देन उसके बाद आप इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे, जो चीज़ें आपने बोल्ड करनी है लाइक आई वॉन्ट टू बोल्ड नेम्स ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स एक्सेट्रा। सो फिर उसके बाद मैं इसको रीनेम कर लूँगी। रीनेम करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके नीचे स्टेटस बार आती है उस पर जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे शीट दी हुई होगी, आप यहाँ पे उसका राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन लेट्स सपोज कि ये मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट की है तो मैं इसके लिए इंग्लिश लिख लेती हूँ। अपनी आसानी के लिए आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, मूव और कॉपी करेंगे आप, क्रिएट अ कॉपी, देन आपके पास एक और कॉपी आ जाएगी इसकी। इसको आप रीनेम करके उर्दू कर दीजिए, देन इसी तरीके से आप एक और इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ मैच कर लेते हैं। अब इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमारे जो सारे जगह पे ग्रैंड लिस्ट है या सॉरी अवार्ड लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जाके क्लियर कंटेंट कर लेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे मैथ्स के नंबर वो वाले तो नहीं है जो कि इंग्लिश के थे या उर्दू के थे, तो हम यहाँ पे इसको क्लियर कंटेंट कर लेंगे लाइक दैट। उर्दू के भी हमें अपने मार्क्स दोबारा एंटर करने पड़ेंगे तो हम इसको भी क्लियर कंटेंट कर लेंगे। नाउ आपने क्या करना है,
टोटल मार्क्स एंटर करने हैं. लाइक उर्दू के अब मार्क्स कितने हैं, 50. 50 के लिए आपके सारे मार्क्स जो हैं वो एक जैसे रहेंगे, तो आपने क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग कर लेना है. देन उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं कि आपके स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं. एंटर हो चुके हैं और हमने मार्क्स एंटर करने के बाद गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स स्लैश टोटल मार्क्स स्टैटिक इनटू 100. प्रेस एंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे. ओके, सो इस तरीके से हमारे अगले सब्जेक्ट के भी जो है वो मार्क्स निकल आए हैं. नाउ हम अपनी वही वाला जो सिनेरियो है वो मैथ्स के लिए भी करेंगे. टोटल मार्क्स हमारे मैथ्स के कितने हैं, हमने सपोज कर लिया कि 100 है, और उसमें से हमने जो बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स बने थे वो एंटर कर देने हैं. ठीक है, लाइक दैट. अब आपने अगेन फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स स्लैश टोटल मार्क्स स्टैटिक 100. प्रेस एंटर एंड सिंपली आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे. तो इस तरीके से आपकी सारी अवार्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.